नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आपको अपडेट न्यूज दे रहा हूँ बीएसएससी सीजीएल का। बीएसएससी सीजीएल जो उम्मीद थी कि 30 तारीख तक रिजल्ट दे पाएगी अपनी पूरी पारदर्शिता को रखते हुए, लेकिन अब वो नहीं दे पाएगी। आज का न्यूज ये है कि बीएसएससी आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन से और भी 15 दिन का टाइम लिया गया है, और 15 दिन के लिए जिस कर्मचारी को वो नियुक्त किए थे वर्क करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली बीएसएससी सीजीएल का रिजल्ट दे सके, उसके ड्यूटी को भी वो बढ़ा दिया है लगभग 15 मई तक। और भी 15 कर्मचारी जो है जो तकनीकी विभाग से संबंधित हो और जो सामान्य शिक्षा विभाग से संबंधित हो, उस तरह के 15 और भी मेंबर्स को मांगा गया है। और समर प्रशासन के द्वारा ये बताया गया कि मैं उनको कल तक यानी 29 तारीख तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब ये लोग मिलकर 15 तारीख तक अर्थात 15 मई तक जो है वो लगातार इस पर काम करेंगे। सरकार इस बार ये सोच रही है कि इस बार जो हम रिजल्ट जारी करें, इस पर किसी भी तरह का किसी के द्वारा कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, इस पर किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए वो थोड़ा देर कर रही है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि रिजल्ट होने में भले 15 दिन देर हो, लेकिन वो दुरुस्त रिजल्ट आएगी, इतना आप लोग विश्वास कीजिए। और यदि 100 से ज्यादा नंबर आप लोग को अभी आ रही है, तो आप लोग अपनी मेंस में अच्छे तरीके से लग जाए। भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि मेंस के लिए आप लोग बढ़िया से कीजिए, और इस बार कंफर्म रहिए कि 2023 के लास्ट होते होते बीएससी सीजीएल को फाइनल करके आपको ज्वाइन भी वो करा देगा। इसलिए आप लोग इतना दूर तक यदि आप चढ़ गए हैं, तो अब थोड़ा और हिम्मत रखिए। यदि आप थक गए तो समझिए आप चढ़ गए, इसलिए आपको थकना मेरे दोस्त नहीं है। और हमारी जो लाइव सेशन रात के 8 बजे चलती है, उस सेशन को जरूर कीजिए। बीपीएससी के पूछे गए, बीएसएससी के पूछे गए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आपके डिस्कशन में आते हैं, वो आपके मेंस में बहुत ज्यादा काम करेगा। तो 8 से 9 वाली सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।